नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर में राहगीरों पर हमला करने वाले चाकूबाजों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन शहर में चाकूबाजी की घटनाएं फिर भी जारी हैं। रॉक्सी पुल के पास कोचिंग से पैदल लौट रही छात्रा को बाइक सवार युवकों ने रास्ता रोककर पेपर कटर से हमला कर दिया। एक युवक ने छात्रा का हाथ पकड़ा, जबकि दूसरे ने पेपर कटर से उसके हाथ पर 3 कट लगा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए, लेकिन छात्रा ना तो बदमाशों को पहचान पाई और ना ही उनकी बाइक का नंबर देख पाई। फिलहाल पुलिस आसपास के दुकानदारों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों को तलाशने में जुटी हुई है। कल शाम को करीब 6:30 बजे की घटना है। कोमल पुत्री लल्ला रजक 18 साल की है। ये मंत्रा कोचिंग में अपरगंज की रहने वाली है। मंत्रा कोचिंग है रॉक्सी टॉकीज पे। यहाँ तैयारी कर रही है, LLB कर रही है, साथ में थानेदारी की तैयारी कर रही है। ये बता रही थी हम कोचिंग पढ़े जब घर की तरफ आ रहे थे तो महाराजा बीर बार के बगल की गली से बगल की गली में कोई 2 मोटरसाइकिल सवार आए और इनके हाथ में एक उस्तरनुमा जो चाकू आता है जिसे पेपर काटते हैं वो मारते हुए चले गए। लगभग 2 से 3 इंच लंबाई का घाव था। थाने पे आके सूचना दी, तत्काल 324 का प्रकरण कायम करा गया है, विश्राम दिया गया है। अभी इनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है, पुलिस प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई जनगण से संबंधित कोई घटना नहीं है, न उस तरह की घटना है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।